हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय स्वामी नारायण। नाउ लेट्स विल स्टार्ट लेसन नंबर 6, फॉर्मेटिंग इन वर्ड 2013। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टूडेज टॉपिक, फर्स्ट वी विल सी व्हाट यू हैड डन इन दिस लेसन। सो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल व्हाट यू हैड डन इन दिस लेसन। सो फर्स्ट वी हैड डन द डिफॉल्ट सेटिंग। सो व्हाट इज द डिफॉल्ट सेटिंग? What is the meaning of default setting? Setting that are the standard or predefined in the software are called default setting. The setting that already present in our computer, that setting is known as the default setting. But we can make change to this default setting. But we can change that default setting. Then after we had done the page formatting. So first, what is the page formatting? Make change to the setting of the page is called the page formatting. Make change to the setting of page is called the page formatting. पेज फॉर्मेटिंग मतलब जो हमारा पेज होगा वर्ड का, उसमें हम पेज की सेटिंग चेंज करना। देन आफ्टर वी हैड डन द मार्जिन। So what is the meaning of margin? All of you know very well what is the meaning of margin. Margin are the amount of white space between the text and edges of the pages on all four sides. Margins means we will keep the space between the four all sides. जो four sides होती है उसके बीच में हम क्या करते हैं, gap छोड़ते हैं। जैसे ये वाला page है टेक्स्ट बुक का, अगर आप उसको केयरफुली देखोगे तो ये बीच में लिखा हुआ है और उसके फोर साइड में पूरे ब्लैंक स्पेस छोड़िए, उसको बोला जाता है मार्जिन। तो जो हमारा वर्ड का पेज होता है उसमें भी हम मार्जिन को छोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मार्जिन को छोड़ सकते हैं। तो उसमें हम हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं मार्जिन को। तो जो मार्जिन है उसको हम कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए स्टेप है, पेज लेआउट पे जाएंगे, पेज सेटअप पे जाएंगे, देन मार्जिन एंड देन आफ्टर ड्रॉप डाउन द लिस्ट इज मार्जिन यू से नॉर्मल। ठीक है, फिर उसके बाद मार्जिन में जाके हम सेटिंग को चेंज करेंगे। सो देन आफ्टर वी हैड डन द सेटिंग मार्जिन यूजिंग द रूलर। जो रूलर होता है हमारे वर्ड में उसका भी यूज करके हम सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है हमने ऑलरेडी लाइव क्लास में किया है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे वर्ड में वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर। हमारे टेक्स्ट बुक में स्टेप दी है कि सबसे पहले हम लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखेगा मार्जिन। तो ये जो यहाँ पे जो ऑप्शन है मार्जिन, वहाँ पे जाके हम डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। तो जैसे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ऑलरेडी हमारा जो पेज है नॉर्मल दिखा रहा है, मतलब वो नॉर्मल है। टेक्स्ट बुक में भी लिखा है कि जब हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें नॉर्मल पे दिखेगा। तो हम यहाँ पे जितने भी स्टेप दी है उसके हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे लास्ट कस्टम साइज वो भी चेंज कर सकते हैं, देन उसके बाद हम नैरो ये भी चेंज कर सकते हैं। देखो नैरो किया तो ये चेंज हो गया, उसकी जो मार्जिन है वो कम हो गई है। देन उसके बाद मॉडरेट किया तो फिर से सेटिंग चेंज हो गई। तो यहाँ पे जितने भी मार्जिन के टाइप्स थे वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। और मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन में भी जाके हम अपने हिसाब से यहाँ पे मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमें एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर दिख रहे हैं, तो ये भी यूज़ करके हम मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे मैं अभी यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, ये लिख दिया है और ये देखो मार्जिन यहाँ से। तो एरो का यूज़ करके भी हम मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे भी मार्जिन कम करती, यहाँ से भी हम मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों भी साइड से हम मार्जिन को चेंज कर सकते हैं रूलर का यूज़ करके। इसको बोला जाता है रूलर। रूलर का यूज़ करके भी हम मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम मार्जिन में ही जाके लेआउट में जाके मार्जिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वहाँ से भी हम मार्जिन चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द हाउ टू चेंज अवर मार्जिन। देन नेक्स्ट इज द
अवर नेक्स्ट इज द चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज. जो पेज होता है उसका ओरिएंटेशन कैसे चेंज करेंगे. ओरिएंटेशन रेफर्स टू डायरेक्ट अलॉन्ग द लेंथ और अलॉन्ग द विड्थ. ओरिएंटेशन मतलब होता है लेंथ और लॉन्ग ऑफ द विड्थ, विड्थ की लॉन्ग्स और लेंथ. इन विच द पेज इज प्रिंटेड द प्रॉपर ओरिएंटेशन. द प्रॉपर ओरिएंटेशन कैन बी पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट्स प्रिंट अलॉन्ग द विड्थ ऑफ द पेपर और द लैंडस्केप. तो जो हमारी ओरिएंटेड पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें टू ऑप्शन मिलेंगे. एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप. लैंडस्केप में हमारी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट अलॉन्ग द विड्थ ऑफ द पेपर और डॉक्यूमेंट्स प्रिंट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द पेपर. तो अगर हम ओरिएंट पे जाके अगर हम चेंज करेंगे तो वहाँ पे हमें टू ऑप्शन दिखेंगे, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. तो दोनों में डिफरेंट हमें यहाँ पे समझ में आएगा. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर. तो ये जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे. ठीक है, पहले मैं आपको फाइल में जाके यहाँ पे हम फिर से लेआउट में आके, ठीक है, लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का ऑप्शन है ओरिएंटेशन. सेकंड नंबर का ऑप्शन है ओरिएंटेशन. वहाँ पे डाउन एरो है, वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें टू ऑप्शन लिखेंगे. एक होगा पोर्ट्रेट और सेकंड होगा लैंडस्केप. तो ये जो अभी जो पेपर सिलेक्ट हुआ है वो पोर्ट्रेट है. अगर लैंडस्केप करूँगी तो ये देखो पेपर की लेंथ बढ़ गई है, पेपर की लेंथ बढ़ गई है. सो दिस इज द डिफरेंट बिटवीन द ओरिएंटेशन एंड पोर्ट्रेट. देखो जैसे मैंने लैंडस्केप पे किया है तो वो नॉर्मल आ गया. तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज द इंसर्ट अ पेज ब्रेक. इंसर्ट अ पेज ब्रेक, जो पेज हमने ओपन किया है, जो हमने पेज ओपन किया है अगर उसमें हमें ब्रेक लाना है, क्या करना है, ब्रेक लाना है, तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, देन उसके बाद पेज ग्रुप एंड पेज ब्रेक, उसके बाद हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे. सो नाउ लेट्स आई विल शो यू. यहाँ पे पहले हम कुछ लिख लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर करके यहाँ पे लिख रही हूँ. ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है. अभी ये जो मैंने के और आई लिखा है, के और आई के बीच में मुझे ब्रेक देना है. तो हमारी टेक्स्ट बुक में स्टेप दी है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब. होम के बाद हमें इंसर्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थर्ड नंबर का ऑप्शन दिखता है हमें पेज ब्रेक. पेज ब्रेक करेंगे तो देखो ये पेज ब्रेक हो गया है. तो ये देखो आई नीचे आ गया है और बाकी का ऊपर आ गया. तो इस तरह हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं बाय यूजिंग द पेज ब्रेक ऑप्शन. सो फर्स्ट वी विल क्लिक ऑन द इंसर्ट, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, देन पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. देन नेक्स्ट अवर टॉपिक इज द कॉलम फॉर्मेटिंग. जो कॉलम है उसकी फॉर्मेटिंग भी हम चेंज कर सकते हैं. कॉलम फॉर्मेटिंग, बाय डिफॉल्ट अ वर्ड 2013 डॉक्यूमेंट्स हैज़ अ वन कॉलम. हाउएवर द डॉक्यूमेंट्स कैन बी फॉर्मेट हैव अ मोर देन अ वन कॉलम एज सी इन अ न्यूज़पेपर. देखो जब हम क्या करते हैं, मैच द फॉलोइंग करते हैं, तब हम क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं, दो के बीच में कॉलम पर आते हैं, दो अलग अलग साइड पे हम लिखते हैं ए बी, अदरवाइज अलग अलग कुछ नाम देते हैं. तो हमें वर्ड में हम कुछ लिख रहे हैं और हमें क्या करना है, कॉलम करना है. तो उसके लिए हमें कॉलम वाले ऑप्शन पे जाके हम कॉलम बना सकते हैं. तो उसमें वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम, लेफ्ट राइट, ऐसे भी लेफ्ट साइड से कॉलम, राइट साइड से कॉलम, ऐसे भी ऑप्शन होते हैं. देन उसके बाद अगर हमें मोर कॉलम बनाना है तो हम मोर सेटिंग में भी जाके मोर कॉलम का हम बना सकते हैं. तो नाउ दिस लिस्ट आई विल शो यू. ओके, सो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, लेआउट पे जाएंगे. लेआउट पे क्लिक करके यहाँ पे फर्स्ट वाला ये जो ऑप्शन है वो है कॉलम. कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो अभी वन कॉलम सिलेक्ट किया है, तो टू कॉलम करूँगी तो ये देखो टू कॉलम्स हो गए हैं. केक के बीच में कॉलम बना रही हूँ, देखो ये थ्री कॉलम्स हो गए. कितने कॉलम्स हो गए, थ्री कॉलम्स हो गए. अगर लेफ्ट साइड से करूँगी तो ये लेफ्ट साइड से कॉलम हो गया है.
देन राइट साइड से करूँगी तो ये देखो राइट साइड से कॉलम हो गया। अगर हमें और ज़्यादा कॉलम करने हैं तो हम कॉलम पे क्लिक करके यहाँ पे मोर सेटिंग पे जाके यहाँ से हम नंबर्स ऑफ कॉलम में जाके हम कॉलम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने 6 किया, देन ओके, तो इसके 6 कॉलम बन जाएंगे। तो इस तरह हम कॉलम को चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने 1 कॉलम को सिलेक्ट किया है, तो हम अलग अलग कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5 ऐसे हम कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स वी विल स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। सो अवर टुडेज टॉपिक इज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। जो हमारा पैराग्राफ है, हम पैराग्राफ लिखेंगे उसको कैसे फॉर्मेट करेंगे। आपने कुछ पैराग्राफ लिख दिया है, उसको अभी हमें फॉर्मेट करना है, तो उस पैराग्राफ को हम कैसे फॉर्मेट करेंगे। सो नाउ लेट्स ऑल ऑफ यू लुक एट हियर। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फीचर्स ऑफ द वर्ड 2013 कैन बी यूज टू सेट द अपीयरेंस ऑफ द स्टेज इन द पैराग्राफ। तो हम पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करेंगे। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग इज द अमाउंट ऑफ द वाइट स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट इन द पैराग्राफ। इट इज द मेजर इन द लाइन और इन अ यूनिट कॉल द पॉइंटिंग। लाइन स्पेस, हम क्या करेंगे, लाइन के बीच में स्पेस छोड़ेंगे, मतलब हम जो कुछ भी लिखेंगे उसके बीच में क्या होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए। तो हम उसमें स्पेस अलग अलग भी छोड़ सकते हैं, तो उसमें ऑप्शन होता है। देखिए, द स्टेप ऑफ द लाइन स्पेस आर द फॉलोइंग। प्लेस कर्सर विद इन द पैराग्राफ और द सेट पैराग्राफ। जहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ से हमें स्पेस देनी है, लाइन की स्पेस देनी है, वहाँ पे जाके एरो को रखेंगे। देन वो विल क्लिक ऑन द होम टैब। फिर कहाँ पे क्लिक करेंगे, होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप। फिर वहाँ पे हम कहाँ पे जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, क्लिक द लाइन्स एंड पैराग्राफ स्पेस। फिर उसके बाद हम क्लिक करेंगे पैराग्राफ एंड लाइन एंड पैराग्राफ सेटिंग पे। टू स्पेसिफाई द मेजरमेंट क्लिक द लाइन स्पेसिंग ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेनू द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर। क्लिक द इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब्स, स्पेसिफाई द लाइन स्पेसिंग एंड क्लिक ओके। देन उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर ओके। सो यहाँ पे देखो कहाँ पे जाने के लिए बोला है, होम टैब। तो होम टैब पे आने के बाद यहाँ पे देखो पैराग्राफ करके ऑप्शन है, तो पैराग्राफ में हम अलग अलग पैराग्राफ सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड ये देखो कैसे टर्न हो गया है, देन दिस वन। एंड यहाँ से अगर हमें कुछ चाहिए जैसे नंबरिंग देने हैं, तो देखो यहाँ पे नंबरिंग्स आ गए हैं। देन यहाँ पे अगर कहीं पे हमें डॉट देना है, देन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा, राइट साइड पे मूव हो जाएगा। ये अलग अलग सेटिंग्स होती है, यहाँ से हम कर सकते हैं। और यहाँ से देखो हम 2.5, तो ये जो दोनों वर्ड्स है उसके बीच में गैप कितने आ गए, 2.5 की आ गई है। देन उसके बाद और सेटिंग्स होते हैं, उसमें से हम लाइन स्पेसिंग आउटलाइन, देखो लाइन स्पेसिंग आउटलाइन है, तो यहाँ से हम और सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो अलग अलग सेटिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो अगर आप क्लियरली देखोगे 1.5 की गैप है, तो दोनों के बीच में 1.5। अगर आप पीछे देखोगे, देखो ये गैप चेंज हो रही है, लुक एट हियर, इन दोनों के बीच में गैप कितनी आ रही है। तो अगर हमें 2 सेंटेंस है, अगर उनके बीच में अगर हमें गैप कम ज़्यादा करना है, दोनों के बीच में गैप कम ज़्यादा करनी है, तो उसके लिए हमें पैराग्राफ पे जाके ये जो ऑप्शन है लाइन्स एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, देखो जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है लाइन्स एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें जितनी स्पेस छोड़नी है 2 लाइन्स के बीच में, हम उतने स्पेसिंग छोड़ सकते हैं, उतनी स्पेसिंग हम छोड़ सकते हैं। नॉर्मली 1.0 ये डिफ़ॉल्टली होता है, 1.0, देन 1.15 छोड़ सकते हैं, 2.5, 3 और उससे भी ज़्यादा छोड़नी है तो लाइन्स यहाँ पे ऑप्शन पे जाके हम यहाँ से देखो बाय 2.5 सेंटीमीटर लिखा है, तो यहाँ से हम ओ स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं, ओ स्पेस को हम चेंज कर सकते हैं। सो लाइक दैट वी कैन चेंज द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग।
देन नेक्स्ट इज द पैराग्राफ. देन नेक्स्ट इज द पैराग्राफ पैराग्राफ स्पेसिंग. नेक्स्ट इज द पैराग्राफ स्पेसिंग. पैराग्राफ स्पेसिंग इज द अमाउंट ऑफ व्हाइल स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ. इट कैन बी मेजर इन लाइन्स और पॉइंट. तो उसके लिए शॉर्टकट भी है. देखो, अगर हमें वन लाइन छोड़नी है तो कंट्रोल प्लस एस, डबल लाइन छोड़नी है, स्पेस देनी है तो कंट्रोल प्लस टू. अगर हमें एंटर द स्पेसिंग, सॉरी 1.5 की लाइन स्पेस देनी है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस फाइव की बटन दबाएंगे. ये क्या दी है यहाँ पे, शॉर्टकट की दी है. अगर हमें लाइन के बीच में क्या करनी है, स्पेसिंग देनी है तो. पैराग्राफ स्पेसिंग. पैराग्राफ स्पेसिंग इज द अमाउंट ऑफ व्हाइल स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ. इट कैन बी मेजरिंग इन लाइन और अ पॉइंट. इसको हम लाइन एंड पॉइंट में मेजर कर सकते हैं. ये देखो यहाँ पे दिए हुए अलग अलग, जो अब मैंने आपको अभी दिखाया था वही है. प्लेस द कर्सर विद इन अ पैराग्राफ और अ सिलेक्ट अ सर्वर पैराग्राफ. क्लिक द पेज लेआउट इन द पैराग्राफ ग्रुप्स. देन स्पेसिफाइड द स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ. जब हम कहाँ पे जाएंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे, पेज लेआउट पे जाके पैराग्राफ पे जाएंगे और वहाँ पे हम हमारी जो स्पेस है उसकी बिफोर कितनी जगह छोड़नी है, आफ्टर कितनी जगह छोड़नी है वो भी हम कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, तो यहाँ पे दिखाती हूँ, लुक एट हियर ऑल ऑफ यू. तो फेसबुक में क्या लिखा है कि पैराग्राफ ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ देखो पैराग्राफ करके है, तो यहाँ पे लिखा है स्पेसिंग दिया है. तो यहाँ पे स्पेसिंग में हम चेंज कर सकते. देखो यहाँ पे मैंने 0.5 किया है तो वो चेंज हो रहा है. यहाँ पे और चेंज करूँगी तो ये भी चेंज हो जाएगा. यहाँ पे भी ऑटोमेटिक किया है बिफोर, इसमें चेंज कर सकते हैं. और इसमें भी देखो ये 8 है, ऑटोमेटिक हो गया. तो इस तरह हम जो स्पेसिंग है उसकी जगह छोड़ सकते. देखो मैंने वो बढ़ा रही हूँ तो स्पेस कम हो रही है, और ऑटोमेटिक करूँगी तो वो ऑटोमेटिक जितनी उसकी स्पेस है वो. तो हम वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं. होम टैब में जाके पैराग्राफ में ये जो लाइन्स एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है वहाँ पे जाके भी हम चेंज कर सकते हैं. अदरवाइज लेआउट ऑप्शन पे जाके, पैराग्राफ लेआउट में जाके, यहाँ पे स्पेसिंग है, स्पेसिंग में जाके हम स्पेस को चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे जो स्पेसिंग है वहाँ पे जाके हम स्पेस को चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द सेटिंग अलाइनमेंट. अलाइनमेंट इज द मैनर इन विच टेक्स्ट इज प्लेस बिटवीन द मार्जिन ऑफ द पेज. यू कैन चेंज द बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल अलाइनमेंट. हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों की भी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं. वर्टिकल अलाइनमेंट रेफर्स टू पोजिशन ऑफ टेक्स्ट इन द रिलेशन इन द टॉप एंड बॉटम पेज मार्जिन. एंड हॉरिजेंटल अलाइनमेंट रेफर्स टू पोजिशन ऑफ रिलैक्स द लेफ्ट एंड साइड. वर्टिकल मतलब हम टॉप एंड बॉटम की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, और हॉरिजेंटल मतलब हम लेफ्ट एंड राइट साइड की क्या चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं. सो चेंज द वर्टिकल लेआउट. वर्टिकल की चेंज करनी है मतलब टॉप एंड डाउन की चेंज करनी है, तो उसके लिए स्टेप दिए, क्लिक द पेज लेआउट, पेज सेटिंग, क्लिक द पेज सेटअप एंड डायलॉग बॉक्स लॉन्च. फिर वहाँ पे डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें से पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर, वहाँ पे एक पेज आएगा. क्लिक द लेआउट टैब, उसके बाद लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे. इन द वर्टिकल अलाइनमेंट बॉक्स क्लिक द ऑप्शन यू वांट. वहाँ से जो भी ऑप्शन चाहिए वो क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शन. टू अप्लाई टू द बॉक्स क्लिक द होल डॉक्यूमेंट्स और दिस पॉइंट फॉरवर्डेड. और हम क्या करेंगे, अप्लाई टू द बॉक्स एंड क्लिक होल डॉक्यूमेंट्स इन दिस फॉर्मेट. फिर उसके बाद हम चेंज कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स आई विल शो यू हाउ टू चेंज. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर. तो उसके लिए हमें लेआउट ऑप्शन पे जाना है. लेआउट ऑप्शन पे जाके हम ये जो पेज सेटअप है यहाँ पे एरो है वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे. और उसके बाद यहाँ पे लेआउट करके ऑप्शन, ये जो थर्ड वाला लेआउट ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करेंगे. और यहाँ पे देखो वर्टिकल अलाइनमेंट है. वर्टिकल अलाइनमेंट में हम यहाँ पे ऑप्शन है देखो, टॉप, सेंटर,
जस्टिफाइड एंड बॉटम, तो इसमें से हम कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉप करेंगे तो टॉप पे आएगा, देन सेंटर तो सेंटर में आ जाएगा अलाइनमेंट, दे जस्टिफाइज आ जाएगा, तो मैं अभी सेंटर में करके ओके करी। तो ये जो हमने लिखा है देखो ये सेंटर में आ गया, जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था लिखना वो अभी सेंटर में आ गया। कहाँ पे आ गया है? सेंटर में आ गया। सो लाइक दैट वी कैन चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट। सो नाउ नेक्स्ट इज द चेंज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। नेक्स्ट इज द चेंज द हॉरिजॉन्ट अलाइनमेंट। सो फर्स्ट वी हैव डन द हाउ टू डन वर्टिकल अलाइनमेंट। सो नाउ चेंज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। द स्टेप ऑफ चेंज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट आर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे स्टेप दी है, क्लिक द पेज लेआउट ऑफ, फर्स्ट विल क्लिक द पेज लेआउट टैब, देन इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। फिर उसके बाद हम सेम कहाँ पे क्लिक करेंगे? पैराग्राफ ग्रुप में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करेंगे। इन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स द क्लिक इंडेक्स एंड द स्पेसिंग टैब, सिलेक्ट द अलाइनमेंट इन द अलाइनमेंट ड्रॉप डाउन द मेनू। सिलेक्ट द अलाइनमेंट्स ड्रॉप डाउन द मेनू, देन लेफ्ट, वहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड आएंगे। लेफ्ट इज द फ्लैश विद द लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट साइड से हम लेफ्ट साइड, लेफ्ट जो साइड होगी वहाँ से लेफ्ट साइड से मार्जिन आ जाएगी। द राइट मार्जिन इज अन ईवन, दिस इज ऑल्सो डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ वर्ड, दिस इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ वर्ड। राइट, टेक द फ्लैश विथ अ राइट मार्जिन, द लेफ्ट मार्जिन इज अनइवन। फ्लश मीन्स द पैराग्राफ लाइन्स आर द लेवल्ड इवनली अलॉन्ग वन एजेस लेफ्ट और राइट। देन सेंटर्ड, सेंटर मीन्स द टेक्स्ट इन द सेंटर बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ द पेज। सेंटर टेक्स अ टेक्स द सेंटर बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ द पेज। सेंटर मतलब बीच में आएगा, लेफ्ट और राइट के बीच में आ जाएगा। टेक्स इज द प्लेस हो बोथ इज द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन आर द इवन। जस्टिफाइज मतलब टेक्स प्लेस द सो बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन आर द इवन, दोनों भी सेम हो जाएगा इवन। देन आफ्टर वी विल क्लिक द ओके बटन, देन आफ्टर वी विल क्लिक द ओके बटन, देन आफ्टर वी विल चेंज अवर अलाइनमेंट। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर, वी विल डू हियर। सो फर्स्ट वी विल क्लिक ऑन द पेज लेआउट, कहाँ पे क्लिक करेंगे? पेज लेआउट पे। तो ऑलरेडी पेज लेआउट में क्लिक किया है, देन वी विल क्लिक ऑन द पैराग्राफ, यहाँ पे जो पैराग्राफ करके ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है देखो इंडेंट, इंडेंट यहाँ पे लिखा है इंडेंट, लेफ्ट राइट स्पेशल, यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दिए है देखो, अलाइनमेंट भी है लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, सेंटर साइड से, तो ये भी लिया है। देन उसके बाद हम पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर, क्लिक द इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब, ये देखो इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब पे हम क्लिक करेंगे, ये है इंडेंट, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं हमारी लाइन को। देन यहाँ से लेफ्ट राइट साइड से अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे स्पेशल में से फर्स्ट लाइन, देन हैंगिंग, तो ये सारा हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आउटलाइन अलाइनमेंट, लाइन एंड पेज ब्रेक, यहाँ से पेज को ब्रेक कर सकते हैं। तो कहा इंडेंट एंड स्पेसिंग में अलाइनमेंट ड्रॉप, अलाइनमेंट ड्रॉप, ये देखो लेफ्ट साइड से है। सेंटर में भी कर सकते हैं उसको हम, और ओके देखो मैंने सेंटर करके ओके किया है तो वो सेंटर में आ गया है। फिर से वहाँ पे जाएंगे पैराग्राफ पे, अभी सेंटर्ड किया था मैंने, राइट करूँगी और ओके करूँगी, तो ये देखो राइट साइड पे मूव हो गया है। देन अगेन वी विल डू, पैराग्राफ पे जाएंगे, यहाँ पे राइट है, राइट के बाद जस्टिफाइड है, ये तो इवन होता है, दोनों साइड से सेम होता है, देखो ये इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं। कहाँ पे जाके? लेआउट पे जाके पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जो अलाइनमेंट है उस पे जाके हम चेंज कर सकते हैं। ओके करूँगी, तो लाइक दैट वी कैन चेंज। अगेन वन टाइम लुक एट हियर, वी विल क्लिक फर्स्ट लेआउट, लेआउट पे क्लिक करेंगे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ है, पैराग्राफ में यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो एरो है
उसके बाद यहाँ पे जो अलाइनमेंट है वहाँ पे अलाइनमेंट के ऑप्शन ऑप्शन देखेंगे, लेफ्ट, उसके बाद सेंटर, देन उसके बाद राइट एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखेंगे उसको हम सिलेक्ट करेंगे, सो लाइक दैट वी कैन चेंज। देन नेक्स्ट अवर, सो दिस आर द वी हैड डन एंड दिस इज द प्रैक्टिकल टाइम। सो इन यूर होम हैव अ लैपटॉप कंप्यूटर सो वी कैन डू दिस वन। एंड हियर इज द सम शॉर्टकट की अलाइन टेक्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे अगर अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस एल करेंगे। अलाइन टेक्स सेंटर, सेंटर में करना है तो कंट्रोल प्लस ई। अलाइन टेक्स राइट, राइट पे करना है तो कंट्रोल प्लस आर। एंड जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल प्लस जे। सो दिस इज द शॉर्टकट की, दिस आर द शॉर्टकट की। देन प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट्स, अभी हमने कुछ लिखा है और अभी उसकी हमें क्या करनी है, प्रिंट करनी है, तो उसके लिए हमें प्रिंटिंग वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। द स्टेप ऑफ द प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स आर फॉलोइंग, कैसे करेंगे, क्लिक द फाइल टैब, कहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइल टैब में, सिलेक्ट अ प्रिंट ऑप्शन इज ड्रॉप डाउन मेनू, वहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करेंगे। द सेंटर पैन ऑफ द प्रिंट स्क्रीन अपीयर, द राइट पैन शो द प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा डॉक्यूमेंट्स का। द स्टेप चूज द सेटिंग द सेंट्रल पैन एंड प्रिंट द स्क्रीन एज फॉलोविंग, सिलेक्ट द प्रिंटर फ्रॉम द प्रिंटेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, अंडर द सेटिंग चूज द पेजेस ऑफ प्रिंटेड बाय, सिलेक्टेड द वन ऑफ अवेलेबल ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, देन आफ्टर प्रिंटेड ऑल पेज, अगर हमें सारे पेज को प्रिंट करना है तो ऑल करेंगे, द ऑप्शन प्रिंटेड होल डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटेड सिलेक्ट, प्रिंटेड सिलेक्ट का ऑप्शन, अगर हमें पर्टिकुलर वन पेज को ही सिलेक्ट करना है तो उससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, दिस ऑप्शन प्रिंट द सिलेक्ट टेक्स्ट, प्रिंट करंट पेज, अगर हमें सिर्फ करंट वाला ही पेज सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे ऑप्शन प्रिंट द पेज वेयर यू कर्सर इज प्लेस, वहाँ पे कर्सर जहाँ पे आपका प्लेस होगा वहाँ का ही पेज वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट कस्टम रेंज, द ऑप्शन प्रिंट द इंडिविजुअल पेज बाय द पेज नंबर और रेंज ऑफ पेज कैन यूज कमांड्स। Use commands to the separate the page number that is 4812. Use the hyphen to print page. Range is 8 to 12. This will be print page from page numbers 8 to 12. अगर हमें कुछ पर्टिकुलर पेज ही चाहिए, जैसे 4, 6, 12 ये ही पेज चाहिए तो वहाँ पे हम लिखेंगे 4, 6, 12। एंड पर्टिकुलर अगर हमें 8 से लेकर 12 तक पेज चाहिए तो हम 8 से लेकर 12, जैसे हमने 100 पेज का हमने किया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स 100 पेज का किया हुआ है और हमें 10 ही पेज चाहिए बीच के, जैसे आपको 30 से लेकर 40 तक चाहिए तो हम क्या करेंगे वहाँ पे 30 से 40 तक लिख देंगे। प्रिंट द पर्टिकुलर पेज एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंटर द स्टार्टिंग पेज नंबर फॉलोइंग हाइफंस, दैट इज फॉर यू ऑल्सो कम्बाइंड द इंडिविजुअल पेज एंड रेज द पेज। देखो इंडिविजुअल पेज को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4, 8, 12, 25 ऐसे भी पेज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओनली प्रिंट द ऑड पेजेस, ओनली प्रिंट द इवन पेजेस, तो ऑड एंड इवन, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल व्हाट इज द ऑड नंबर एंड व्हाट इज द इवन नंबर। ऑड मतलब द नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय टू, दिस इज नोन एज द ऑड नंबर, एंड इवन नंबर द नंबर विच इज द डिवाइडेड बाय टू, दिस इज नोन एज द इवन नंबर। तो जो अगर हमें इवन पेज के ही प्रिंट निकालने हैं, मतलब 2, 4, 6, 8, 9, 10 उसमें से अगर कोई पेज हमने करना है सिर्फ इवन नंबर्स के करने हैं, अदरवाइज ऑड 3, 5, 7 ये वाले जो ऑड नंबर है उसके ही प्रिंट चाहिए, तो उसके लिए फिर ऑड एंड इवन का ऑप्शन होता है। यू कैन प्रिंट द ओनली ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स पेज, टाइप ऑफ द नंबर्स कॉपी यू वांट टू कॉपी बॉक्स, देन उसके बाद हमें कितने कॉपी चाहिए तो कॉपी में हम कॉपी लिख देंगे। यू कैन चॉइस द वेदर कलेक्ट अ पेज इज और नॉट, सपोज यू वांट टू प्रिंट द 4 कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगर हमें 4 पेज चाहिए तो वहाँ पे हम 4 लिखते हैं। इफ द कोलेक्ट ऑप्शन इज नॉट सिलेक्ट अ वर्ड विल फर्स्ट प्रिंट द 4th कॉपी ऑफ द पेज 1 एंड देन 4 पेज ऑफ द 2 एंड ऑल्सो सो ऑन। इफ द कलेक्टेड ऑप्शन इज सिलेक्टेड, अगर हमने सिलेक्ट नहीं किया है कलेक्टेड ऑप्शन तो पहले
फर्स्ट नंबर के फोर पेज निकलेंगे, देन सेकंड नंबर के फोर पेज निकलेंगे, देन थर्ड नंबर के फोर पेज निकलेंगे, ऐसे वन बाय वन पेज सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम कलेक्टेड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो वर्ड विल बी कंप्लीट सेट ऑफ 1 to 4, मतलब 1, 2, 3, 4 तक पेज निकलेंगे, उसके बाद 1, 2, 4 पेज ऐसे निकलेंगे। देन सेकंड सेट इज द सो ऑफ। यू कैन ऑल्सो चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज इज द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। हम ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं लैंडस्केप में भी और पोर्ट्रेट मोड भी। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द पेपर साइज, पेपर का साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, A4 साइज, A3 साइज, जो भी हमें साइज सिलेक्ट करना है वो। सिलेक्ट द नंबर ऑफ पेज टू प्रिंट पर शीट, फिर हम कितने पेज चाहिए वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफाई द मार्जिन, मार्जिन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। आफ्टर द चूज द ऑप्शन देन सेंटर ब्रांड प्रिंट स्क्रीन एंड प्रिंट टू द प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स एंड मेक श्योर प्रिंट इज स्विच ऑफ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट को दे देंगे। तो वो कहाँ पे होता है, सो नाउ लुक एट हियर, वी विल डू हियर, सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर। तो पहले इसको कैंसिल कर देती हूँ। तो प्रिंट कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे जो फाइल वाला ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन है। तो जैसे प्रिंट पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पेज है वो दिख रहा है और यहाँ पे हमारी जो सेटिंग करना है वो दिखेंगे। यहाँ पे देखो कॉपी, कितनी कॉपी चाहिए, देन माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटेड PDF ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमें कौन से नंबर का कौन सी PDF चाहिए वो होगी। देन ऑल पेज चाहिए, देन सिलेक्टेड पेज चाहिए, करंट पेज चाहिए, कस्टम पेज चाहिए, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन स्टाइल चाहिए, ऑटोमेटिक स्टेक्स की, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। देन कलेक्टेड, हमें कितने पेज चाहिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, ऐसे हम पेज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पेपर के साइज भी लिख सकते हैं, A4, A3 एंड स्टेटमेंट, लीगल, अलग अलग ऑप्शन भी हो गए। देन उसके बाद मार्जिन, मार्जिन से हम मार्जिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन एज अ पेज पर शीट, एक पेज पे कितने आएंगे, 1 पेज आएंगे, 2 आएंगे, 4 आएगा, 6, 7, 8, तो इस तरह हम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेटिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है और जैसी हो जाएगी तो फिर हम प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पे प्रिंट निकल जाएगी। यहाँ पे हम प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स। तो अभी मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो मैं यहाँ से प्रिंट नहीं निकालूंगी, तो ये प्रिंटर ऑप्शन पे जाएंगे तो इसकी प्रिंट निकल जाएगी। यहाँ पे देखो ये फोल्डर को सेव, प्रिंट फोल्डर मैंने सेव नहीं किया इसलिए यहाँ पे सेव करने के लिए पूछ रहे हैं। सेव करूँगी और उसकी प्रिंट निकालूंगी तो ये प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह हम डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर लेसन, नाउ ट्रिकी टर्म्स एक्सरसाइज, दिस वी विल बी सी इन आवर नेक्स्ट पीरियड। सो आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।